हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी जीके ट्रिक्स। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो करेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, इन सिक्स एलिमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, ये केमिस्ट्री सीरीज का हमारा पहला पार्ट है और इसमें हम इन टॉपिक्स से यानी इन एलिमेंट्स से जितने भी इंपॉर्टेंट क्विज एग्जाम्स में बनते हैं या पूछे जाते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अगर फ्रेंड्स इन टॉपिक्स से या इन एलिमेंट्स से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको 100% सोल्व कर पाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम्स में ले लीजिए जिसमें साइंस पूछा जाता है तो इन्हीं एलिमेंट्स से जो है क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ज़्यादा बनते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को देखिए, पूरा देखिए। क्योंकि फ्रेंड्स, क्या होता है कभी कभी आप वीडियो को पूरा नहीं देखते और हो सकता है इसी टॉपिक से क्वेश्चन बन जाता है तो बाद में अफसोस होता है। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए और दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हम बात करेंगे हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन क्या है फ्रेंड्स? ये इसे एच से प्रकट किया जाता है, यानी इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? एच, एच यानी हाइड्रोजन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की, यानी हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। यह आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है। देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन जाता है कि आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है, तो कौन सा है? हाइड्रोजन। और इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है फ्रेंड्स, इसका प्रतीक तो इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, तो क्या होता है? एच। ये एस ब्लॉक का तत्व है। देखिए फ्रेंड्स, ब्लॉक क्या होते हैं, इन्हें भी मैं डिस्कस करूंगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये एस ब्लॉक का तत्व है। देखिए फ्रेंड्स, 1s2 2s2 यानी जिनका चार तक होते हैं वो सभी क्या होते हैं? एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटोन होता है। इसके परमाणु में क्या? एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटोन होता है। ब्रह्मांड में यह सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर नहीं, यानी पृथ्वी पर नहीं, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका कारण क्या है फ्रेंड्स? देखिए, अगर आप सन की यानी सूरज की बात करें तो उसमें भी 74% के समथिंग क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन और हीलियम का यानी गैसीय गोला है सूरज भी, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा क्या है? हाइड्रोजन है। तो ये ब्रह्मांड में क्या है? सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर पृथ्वी पर आएगा तो फ्रेंड्स, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में क्या है? 78% है नाइट्रोजन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, तारों तथा सूर्यों का अधिकांश द्रव्यमान हाइड्रोजन का बना होता है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि तारों और सूर्य का अधिकांश द्रव्यमान किसका बना होता है, तो किसका बना होता है फ्रेंड्स? हाइड्रोजन का। नेक्स्ट है, प्रकृति में यह द्वि आणविक गैस के रूप में पाया जाता है जो वायुमंडल के बाहरी परत का मुख्य संगठक है। तो ये पूछा जा सकता है कि चार ऑप्शन दे देगा आपको कि निम्नलिखित में से कौन द्वि आणविक गैस के रूप में पाया जाता है, तो कौन पाया जाता है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, यह गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन गैसीय पदार्थ है। यह सबसे हल्का तत्व, तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है, कौन सा एलिमेंट सबसे हल्का है, तो कौन सा है? हाइड्रोजन सबसे हल्का एलिमेंट्स है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? एक होती है। नेक्स्ट है, यह साधारणतः दो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन एक अधातु है। तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इसकी ये क्या है, धातु या अधातु या उपधातु, तो क्या है? ये एक अधातु है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कितने परमाणुओं से मिलकर बना होता है? दो से। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन के गुण, यानी इसके क्या क्या गुण होते हैं। हाइड्रोजन वायु या ऑक्सीजन में जलता है। तो ये क्या है फ्रेंड्स? हाइड्रोजन क्या है? वायु और ऑक्सीजन में क्या है? ये जलता है। इसी कारण क्या है फ्रेंड्स? ये हल्का होता है, तो गुब्बारों में इसको पहले भरा जाता है, अब नहीं भरा जाता है। ये मैं आगे जब आपको हीलियम पढ़ाऊंगा तो उन्हें अभी डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जलने पर उच्च ताप और ज्वाला रंगीन होती है, यानी जलने पर क्या होता है? जब ये जलता है वायु में तो ताप तो उच्च होता है और ज्वाला कैसी होती है? रंगहीन, यानी इसका कोई रंग नहीं होता है। नेक्स्ट है, जलने पर यह जल और अल्प मात्रा में हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है। यानी जब ये जलता है तो क्या बनाता है? जल बनाता है और अल्प यानी कम मात्रा में हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यह अन्य तत्वों के साथ संयुक्त होकर यौगिक बनाता है। तो अन्य तत्वों के साथ संयुक्त होकर क्या बनाता है? ये यौगिक बनाता है। क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड, नाइट्रोजन के साथ अमोनिया और गंधक के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। यानी जब ये क्लोरीन क्या होता है फ्रेंड्स? Cl। तो जब H इसके साथ मिल जाता है तो क्या बन जाता है? HCl। और नाइट्रोजन के साथ NH3 अमोनिया बनाता है और गंधक के साथ क्या बनाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S बनाता है। अब इसका उपयोग देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है उपयोग। यह हेबर विधि में नाइट्रोजन के साथ संयुक्त होकर अमोनिया बनाता है। तो हेबर विधि में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि
अमोनिया बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का। हाइड्रोजन तेल के साथ संयुक्त होकर वनस्पति तेल बनाता है, यानी तेल के साथ संयुक्त होकर क्या बनाता है, ये वनस्पति तेल बनाता है। इसकी सहायता से कोयले को संश्लिष्ट पेट्रोलियम भी बनाया जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कोयले को संश्लिष्ट पेट्रोलियम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, हाइड्रोजन का। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप हम बात करेंगे हीलियम के बारे में। देखिए वीडियो को पूरा देखिए फ्रेंड्स, आई होप, और ये हमने सीरीज से बताए हैं जितने भी एलिमेंट्स इंपोर्टेंट हैं। देखिए शुरू के तो कुछ इंपोर्टेंट है, तो हम इनको सभी को डिस्कस करेंगे क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन जाता है। बाद में भी पीरियोडिक टेबल में जितने भी इंपोर्टेंट हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स बने रहिए चैनल के साथ और वीडियो को पूरा देखिए। देखिए नेक्स्ट है हीलियम। हीलियम को एच ई से प्रकट करते हैं, यानी इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है, एच ई। यह एक रासायनिक तत्व जो प्राय गैसीय अवस्था में रहता है। कौन से अवस्था में रहता है फ्रेंड्स, ये गैसीय अवस्था में। यह एक निष्क्रिय गैस है और फ्रेंड्स क्या है, ये नोबल गैस है। ठीक है फ्रेंड्स, नोबल गैसों का पूरा टॉपिक हम जब कंप्लीट हो जाएगा तो नोबल गैसों को एक साथ सबको हम डिस्कस कर देंगे। तो ये क्या है, एक निष्क्रिय गैस यानी नोबल गैस है। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स, दो होती है। यह एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन और नॉन टॉक्सिन। देखिए फ्रेंड्स, नॉन टॉक्सिन क्या होता है, जो विषैला नहीं होता, यानी टॉक्सिन क्या होता है, विषैला, और नॉन टॉक्सिन जो विषैला नहीं होता। तो ये क्या है, एक निष्क्रिय गैस है हीलियम, और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स, दो होती है। और ये क्या है, रंगहीन, गंधहीन और स्वाधीन, नॉन टॉक्सिन है। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट है, सभी तत्वों में इसका क्वथनांक एवं गलनांक कम होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको चार ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसका गलनांक और क्वथनांक सबसे कम है, तो किसका होता है, हीलियम का। नेक्स्ट है वायु अणु, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये। वायु अणु और गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर अब हीलियम का उपयोग किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वायु अणु और गुब्बारों में। देखिए फ्रेंड्स ये क्यों किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है, अभी मैंने पीछे आपको बताया है कि जल के साथ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन कर लेता है वो, और जल बनाता है और विस्फोट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए उसमें गुब्बारों और वायु अणु में क्या होता है, हाइड्रोजन के स्थान पर अब किसका उपयोग किया जाता है, हीलियम का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि गुब्बारों में, मौसमी गुब्बारों में क्या भरा जाता है, तो हीलियम भरी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है औषधियों में भी विशेषता, यानी औषधियों में भी जो है हीलियम का उपयोग किया जाता है, खासकर कौन से, श्वसन रोगों में ऑक्सीजन के साथ मिलाकर कृत्रिम श्वसन में हीलियम का उपयोग बढ़ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हीलियम यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लिथियम के बारे में। देखिए लिथियम से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इतने ज़्यादा नहीं है, तो हम उनको डिस्कस करेंगे। इसे एल आई से प्रकट किया जाता है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि लिथियम को किससे प्रकट किया जाता है, एल आई से। और नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, यह एक रासायनिक तत्व साधारणतः परिस्थितियों में प्रकृति की सबसे हल्की धातु और सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। ये एक रासायनिक तत्व है फ्रेंड्स, और ये क्या है, साधारण परिस्थितियों में सबसे हल्की धातु है और सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। कैसा पदार्थ है फ्रेंड्स ये, लिथियम क्या होता है, ठोस, और उसका घनत्व क्या होता है, सबसे कम होता है ठोस पदार्थों में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखना है। रासायनिक दृष्टि से यह क्षार धातु का समूह है। तो कौन सी धातु है, ये क्षार धातु है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है वायु में रखा जाने पर यह जल्दी ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन जाता है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु को तेल में डुबोकर रखा जाता है, तो किसे रखा जाता है, लिथियम को, क्योंकि ये क्या है, वायु से में उपस्थित ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आग पकड़ लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कम घनत्व के कारण ये बहुत हल्का होता है, यानी इसका घनत्व कम होता है तो क्या होता है, बहुत हल्का होता है और इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि ऐसी कौन सा ठोस पदार्थ है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो कौन सा है, लिथियम, याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी परमाणु संख्या तीन होती है। परमाणु संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स इसकी, तीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेरिलियम। बेरिलियम को बी से प्रकट किया जाता है, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, चार। ठीक है फ्रेंड्स, ये सीरीज से चल रहे हैं हम, तो परमाणु संख्या इसके बाद, ठीक है फ्रेंड्स, बोरोन आगा तो उसकी पाँच होगी, कार्बन की छः होगी, तो सीरीज से परमाणु संख्या चलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, रासायनिक दृष्टि से यह एक क्षारीय पार्थिव धातु है। क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से क्षारीय पार्थिव धातु कौन सी है, तो कौन सी है, बेरिलियम। यह शुद्ध रूप से प्रकृति में नहीं मिलता, केवल अन्य तत्वों के साथ यौगिक में ही पाया जाता है। ये क्या होता है, शुद्ध रूप से प्रकृति में नहीं मिलता है, इसे फ्रोजा नामक रत्न में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि फ्रोजा नामक रत्न में निम्नलिखित में से कौन सी धातु पाई जाती है, चार ऑप्शन आपको दे देगा, तो कौन सी पाई जाती है, बेरिलियम। तो यह आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ ये बन सकता है कि बेरिलियम नामक धातु कौन से रत्न में पाई जाती है, तो कौन से में पाई जाती है, फ्रोजा। तांबे और बेरिलियम की मिश्र धातुओं से बने औजार चिंगारी नहीं छोड़ते हैं,
तो ये क्या होते हैं, तांबे और जो बेरिलियम से मिश्र धातु बनती है फ्रेंड्स, इसके बने हुए जो औजार होते हैं वो चिंगारियाँ नहीं छोड़ते। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, एग्जाम से में पूछा जा सकता है कि कौन सी धातु से बने मिश्र धातु चिंगारियाँ नहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट है, कम घनत्व और हल्केपन के कारण बेरिलियम की मिश्र धातुओं को विमानों और उपग्रहों में भी प्रयोग किया जाता है। यानी विमानों में क्या है फ्रेंड्स, वेट कम रखने के लिए उनका जो बेरिलियम है इसके बने मिश्र धातुओं का प्रयोग उनमें किया जाता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि उपग्रहों या विमानों में कौन सी धातु के मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है, तो बेरिलियम का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कम घनत्व के कारण यह एक्सरे किरणों को भी नहीं रोक पाता, यानी इसका घनत्व कम है तो एक्स किरणों को नहीं रोक पाता है, इसलिए एक्सरे के साथ प्रयोग होने वाले ढांचे अक्सर बेरिलियम के बने होते हैं। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करेंगे हम। बोरोन के बारे में, ठीक फ्रेंड्स, सॉरी ये थोड़ा, चलिए बोरोन, इसे बी से प्रकट किया जाता है, यानी बोरोन को किससे प्रकट किया जाता है फ्रेंड्स, बी से। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, पाँच होती है, ठीक फ्रेंड्स, परमाणु संख्या पाँच। रासायनिक दृष्टि से ये क्या है, एक उपधातु है। ये तो फ्रेंड्स नॉर्मल चीज़ है, ये तो आपको याद रखनी ही रखनी है। नेक्स्ट है, प्रकृति में बोरोन का निर्माण कॉस्मिक किरणों द्वारा किसी वस्तु पर हुए प्रहारों से होता है, ना कि तारों में तार के नाभि के संश्लेषण की प्रक्रिया में। तो ये याद रखना है कि बोरोन का उपयोग डायरेक्ट पूछ सकता है, कैसे होता है, तो कैसे होता है, कॉस्मिक किरणों को किसी वस्तु पर प्रहार से होता है, ठीक फ्रेंड्स, ना कि तार के नाभि के संश्लेषण की प्रक्रिया में, ठीक है। नेक्स्ट है, बोरोन पृथ्वी पर केवल अन्य तत्वों के साथ बने रासायनिक यौगिकों के रूप में पाया जाता है, यानी यह भी क्या है, अन्य तत्वों के साथ ही जो रासायनिक यौगिक होते हैं उन्हीं में पाया जाता है, डायरेक्ट ये भी पृथ्वी पर नहीं पाया जाता है। बस इसमें इतना ही था फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्बन, इससे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ज़्यादा बनते हैं, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कार्बन को सी से प्रकट किया जाता है और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, छः होती है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। रासायनिक दृष्टि से यह एक अधातु है, यानी ये क्या है, एक अधातु। कार्बन के समस्त जो समस्थानिक होते हैं के अनुपात को माप, यानी यहाँ पे ये फ्रेंड्स सॉरी माप कर हो गया, मिसप्रिंट हो गया, ये माप कर होगा, ठीक है, माप कर प्राचीन तथा पुरातात्विक अवशेषों की आयु मापी जाती है। ठीक फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ ये क्या है, यानी कार्बन के जो समस्थानिक होते हैं इनके अनुपातों को माप कर किसी भी पुरानी चीज़ की क्या है, आयु मापी जाती है। देखिए फ्रेंड्स, हर किसी भी चीज़ के जीव जंतु या प्राणी, किसी भी चीज़ के पेड़ पौधे, सबके अंदर क्या है, कार्बन की मात्रा होती है। तो ये जो आयु मापने वाली विधि होती है उसे क्या कहते हैं, कार्बन डेटिंग विधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पुराने जीवों की जो आयु होती है वो किस चीज़ से मापी जाती है, कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना है। कार्बन के परमाणुओं में केटिनेशन नामक एक विशेष गुण पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, केटिनेशन, जिसके कारण इसके परमाणु आपस में सहयोग करके लंबी श्रृंखला बनाते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कार्बन के जो परमाणु होते हैं वो लंबी श्रृंखला किस कारण बनाते, तो केटिनेशन के कारण वो लंबी श्रृंखला बनाते हैं। कार्बन के विविध रूपों वाले कई बहुरूपी हैं जिनमें हीरा, ग्रेफाइट, काजल और कोयला प्रमुख हैं, यानी ये सभी क्या हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन दे देगा आपको, मान लीजिए चार ऑप्शन दे दिए, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला और एक कुछ और रख देगा, तो ये पूछ लेगा कि इनमें कार्बन का कौन सा अपरूपक नहीं है, तो हम उसको टिक कर देंगे। तो ये चारों आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हीरा विद्युत का कुचालक एवं ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो हीरा क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत कठोर भी होता है और ये विद्युत का कुचालक होता है, यानी इसमें विद्युत, यानी ऐसा मान लीजिए करंट इसमें नहीं आता, ठीक है। और ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है, इसमें हमने 6 एलिमेंट्स को डिस्कस किया है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और फ्रेंड्स अगर आपको कहीं इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो या आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में पूछ सकते हैं, और फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवानी है तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे इसका बेनिफिट आपके फ्रेंड्स को भी मिल सके। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस लाल सब्सक्राइबर वाले बटन को दबाइए और सामने वाले बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम और डायरेक्टली मिलते रहें। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।